हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे लास्ट दो वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ चुका है और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि आप 12 बजे के बाद बाहर जाने का सोच भी नहीं सकते। 12 क्या, बल्कि 11 बजे के बाद ही बाहर जाने का सोच भी नहीं सकते। आप चाहे कितने भी SPF का सन प्रोटेक्शन लगा के बाहर निकलें, स्कार्फ लगा के बाहर निकलें, हैंड ग्लव्स पहन लें, लेकिन सूर्य देवता का जो प्रकोप है उससे आप बच नहीं सकते हैं। कितना भी आप प्रोटेक्शन क्यों ना कर लें, आपके बॉडी पे, आपके चेहरे पे टैनिंग होगी ही होगी। लेकिन टेंशन करने की कोई बात नहीं है, आप बाहर जाइए, अपना काम करिए, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ 4 टाइप का ऐसा फेस मास्क जिसको यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आपका टैनिंग कैसे धीरे धीरे गायब हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल 2 से 3 एप्लीकेशन में आपको फ़र्क पता चल जाएगा और इसके लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन से आपके पूरे टैनिंग आपके फेस से चले जाएंगे। और ये जो 4 तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ होने वाले हैं ये आपके अपने किचन में अवेलेबल हैं। जी हाँ, सभी के किचन में ये सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं। आप मेरा वीडियो देखिए, अपना फेवरेट फेस मास्क चुनिए और जाइए अपने किचन पे और फटाफट बनाकर उसको लगाइए। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मोनिका और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल आइडियाज विद मोनिका पे। सबसे पहले हम एक कटोरी में दही लेंगे, जितना हमें यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग। ये दही एकदम शुद्ध दही है, इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। फिर हम इसमें 1 चम्मच हनी डालेंगे। मैंने डाबर हनी यूज़ किया है। अगर आपके पास ओरिजिनल हनी है, यानी कि डायरेक्ट मधुमक्खी के छत्ते वाली, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा, और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अब अच्छे से इसको मिक्स करके अपने फेस में लगाएं। आप चाहें तो इसे डेली अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, नहीं तो इसे वीक में 2 से 3 बार यूज़ करें। ये आइडिया मुझे अपनी एक फ्रेंड से पता चला था, वो डेली इसे अपने फेस में एज अ फेस पैक यूज़ करती है और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है। दही में लैक्टिक एसिड होने के कारण ये हमारे फेस को चमकदार बनाता है, पिगमेंटेशन कम करता है और हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने के कारण हमारे पिंपल को फैलने से बचाता है, फेस को मॉइस्चराइज करता है और ग्लो लाता है। इस फेस पैक को बनाने के लिए एक कटोरी में हम ऑरेंज पील पाउडर लेंगे। ये पाउडर भी मैंने घर पर ही संतरे के छिलकों को सुखाकर और मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर बनाया है। यदि आपके पास घर का बना हुआ ना हो तो आप अच्छी क्वालिटी का ऑरेंज पील पाउडर मार्केट से या ऑनलाइन खरीद लें। जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ करेंगे, ध्यान रहे कि वो जितनी ज़्यादा प्योर रहेगी उतनी ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। फिर हम इसमें रॉ मिल्क डालेंगे और मिक्स करेंगे। इस फेस पैक को हमको ना ज़्यादा लूज़ बनाना है और ना ज़्यादा ड्राई। यदि ज़्यादा सूखा रहेगा तो अच्छे से हमारे फेस में एब्जॉर्ब नहीं होगा और एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो फ़ायदा कैसे मिलेगा। और हाँ, आप चाहें तो यहाँ पर ऑरेंज पील पाउडर के जगह पे लेमन पील पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में ही साइट्रिक एसिड होता है जो हमारे स्किन के कलर को लाइट करता है, पिगमेंटेशन दूर करता है, स्किन के कलर को इवन बनाता है। आप इसे 15 मिनट के लिए फेस में लगाएं और धो लें। वीक में ऐसा 2 बार आप कर सकते हैं। ये फेस पैक मेरा सबसे फेवरेट फेस पैक है। इसके लिए हम एक कटोरी में बेसन लेंगे और इसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाएंगे। हल्दी एकदम शुद्ध होना चाहिए। खाने के लिए जो मार्केट में पैक्ड हल्दी आती है वो प्योर नहीं होता है। ये हल्दी मैंने अपने गाँव से मंगाया था, जो कि खड़ी हल्दी को पीस करके बना है। फिर इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे और फिर गुलाब जल ऐड करेंगे। मेरे पास तो प्योर गुलाब जल नहीं है, यदि आपके पास प्योर हो तो आप उसे ही यूज़ करें। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना ज़्यादा ढीली होनी चाहिए। मार्केट में प्योर हल्दी कसूरी हल्दी के नाम से बिकती है, आप वो भी ले सकते हैं। इस फेस पैक को अपने चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर पानी से धो लें। ऐसा आप वीक में 2 बार कर सकते हैं। एक कटोरी में हम केले को छीलकर उसका टुकड़ा लेंगे और बचे हुए केले को क्या करेंगे, खा लेंगे और क्या करेंगे। फिर हम इसमें रॉ मिल्क ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें लेमन जूस ऐड करके तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से यदि ना हो पा रहा हो तो हाथ से बढ़िया मिक्स कर लेंगे। केला हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, पर इस वीडियो में हम डिटैनिंग की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे स्किन के पिगमेंटेशन को दूर करके स्किन को लाइट एंड ब्राइट करता है। इस मिक्सचर को फेस में 15 मिनट तक लगा कर रखें, फिर ठंडे पानी से धो लें। ध्यान रखें, हमेशा फेस में फेस पैक लगाने के बाद धोने के लिए सिर्फ ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। अब मेरा चारों फेस पैक रेडी है।
किसी भी फेस पैक को यूज़ करने का सबसे इफ़ेक्टिव टाइम मुझे रात के सोने से पहले का टाइम लगता है, क्योंकि जब भी हम सोने के लिए जाते हैं तब हमारी बॉडी रात में खुद को हील कर रही होती है। तभी तो हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो हमारा चेहरा कितना खिला खिला हुआ दिखता है। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।